मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का बेनामी पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय की ही एक कर्मचारी ने ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें करोड़ों के पैसे के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों से करवाने की मांग भी की गई है। वहीं इसको लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री से इस मामले में छानबीन कर हकीकत प्रदेश की जनता के समक्ष रखने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित अधिकारी पर आरोप लगे हैं कि इसको लेकर लिखित रूप से एक पत्र भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि पत्र किसने लिखा है उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये विषय जांच का बनता है और मुख्यमंत्री जांच करे और लोगों के बीच स्पष्ट करे कि तथ्य क्या है। कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा उनका घर है और घर में कभी प्रवास नहीं होता है। कांगड़ा को कैसे विकास की पटरी पर आगे ले जाया जाए, इस दिशा में काम करने के लिए वो कांगड़ा आए हैं और दो दिन तक यहां तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके रिव्यू करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कांगड़ा को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीतकालीन प्रवास के बजाय गर्मियों में कांगड़ा प्रवास को व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बताया है और कहा है कि यही व्यवस्था परिवर्तन है, मगर हाँ प्रवास कुछ नहीं होता है, जनता के तहे दिल से सेवा करना ही सबसे बड़ा प्रवास है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बीच जो सियासी लड़ाई चलती आ रही है, उस सियासी जंग को नई पीढ़ी के दोनों नेता समाप्त करेंगे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में रात को ताले लगाने से लेकर कई घटनाएं और सियासी लड़ाई होती आ रही है, लेकिन अब दोनों सियासी परिवारों के बीच सेतु का काम भी HPCA ही करने वाला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी अब तक 2 से 3 बैठकें कर चुके हैं। इस दौरान HPCA के साथ मिलकर हिमाचल में खेलों के ढांचे को मजबूत बनाने सहित कई अहम मसलों पर चर्चा हो चुकी है। ऐसे में अब हिमाचल की सियासत में नए समीकरण बनने वाले हैं। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को अपने धर्मशाला प्रवास के दौरान कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से दिल्ली और शिमला में मिल चुके हैं। इस दौरान HPCA के साथ मिलकर प्रदेश में खेल स्टेडियम बनाने सहित खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम मसलों पर चर्चा भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कारोबारी अब तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा तय मात्रा से ज्यादा अनाज का स्टॉक खरीदने या रखने के लिए भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य हो जाएगा। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में फिर से मार्जिन प्रॉफिट एंड होर्डिंग एक्ट 1977 लागू कर दिया है। कारोबारियों के अनुसार इस एक्ट को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। पिछली भाजपा सरकार ने कारोबारी संगठनों की मांग पर साल 2018 में इस एक्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू भी कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से बीते 9 मई को इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस फैसले से अनाज समेत अन्य उत्पादों की कीमतें नियंत्रित होंगी। मूल्य और लाभ प्रतिशत तय होने से कारोबारी ज्यादा दामों पर बिक्री नहीं कर पाएंगे। सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश ने सरकार की सेब पैकिंग के लिए लगाई 24 किलो की शर्त को खारिज कर दिया है। संघ ने आरोप लगाया है कि आढ़तियों और व्यापारियों के दबाव में सरकार ने ये शर्त लगाई है और सेब उत्पादक संघ ने 10 दिन के भीतर सेब पैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। ऐसा ना होने पर आंदोलन करने का ऐलान भी किया गया है। 3 जून को सेब उत्पादक संघ की राज्य स्तरीय बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। भारतीय सेना में अग्निवीर के लिए ली परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर डाल दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के कर्नल AS नाथ ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के 2,369 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनको विभिन्न वर्गों में शॉर्टलिस्ट किया गया है। अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, क्लर्क, स्टोरकीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए ये परीक्षा ऑनलाइन करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी एडमिट कार्ड ईमेल आईडी पर अगले 3 से 4 हफ्तों में डाउनलोड कर पाएंगे।
चंडीगढ़ से मनाली का सफर जल्द ही सुहावना होने वाला है। कीरतपुर से मनाली के रास्ते में निर्माणाधीन फोरलेन पर टनलों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 5 टनल ट्रायल के लिए खोल दिए है। इनसे चंडीगढ़ से मनाली के बीच लगने वाला समय 4 घंटे तक कम होने वाला है। पहले इस दूरी को तय करने में करीब 10 घंटे का समय लग जाता था। बताया जा रहा है कि टनलों के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद सिटी ब्यूटीफुल से मनाली का सफर मात्र 6 घंटों में पूरा होने वाला है। वहीं दिल्ली से मनाली पहुंचने में 14 घंटे लगने वाले हैं। माँ ज्वालामुखी के प्रति आस्था में एक भक्त ने 2000 के नोट बंद होने पर माँ ज्वालामुखी के दरबार में 2000 के 400 नोट यानी कि 8,00,000 रुपए माँ ज्वालामुखी के दरबार में चढ़ा दिए हैं। गौरतलब है कि अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 2000 के नोट को बंद कर दिया था और उसके तुरंत बाद एक श्रद्धालु द्वारा इतनी बड़ी रकम 2000 के 400 नोटों की चढ़ाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कई लोग इसे श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे नोटबंदी की दहशत भी बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 23 व 24 मई को भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 25, 26 व 27 मई के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे भी गिर सकते हैं। 28 मई तक प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ा रहेगा। कीरतपुर मनाली फोरलेन निर्माण के मलबे को गोविंद सागर झील में ठिकाने लगाने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने झील में किसी भी तरह की डंपिंग करने पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने सचिव वन सहित NHAI को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 12 जून को निर्धारित की गई है। फोरलेन विस्थापित और प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ठेकेदार को कीरतपुर मनाली सड़क को चौड़ा करने का कार्य सौंपा है।